हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे, मुझे कुछ सामान लेना था। यहाँ नियर बाय में शॉप तो नहीं है, पर मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे लगभग 1 किलोमीटर का तो एक मॉल है, तो वहीं जा रहा हूँ और वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है। यहाँ लास्ट 4-5 दिनों से रोज़ ही बारिश हो रही है और अभी भी रोड भी काफ़ी गीली गीली सी है कई जगह पे। एक बार ये वाली जो मेरे पीछे वाली स्ट्रीट है, ये अभी कुछ दिन पहले बंद हो गई थी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। आज जाके थोड़ा ठीक हुआ है मौसम, वरना लगातार ही बारिश हो जा रही थी। भाई आज सूना सूना सा लग रहा है, शायद संडे है, इस वजह से आज लोग काम पे नहीं जाते, अब सब आराम करते हैं, तो इस वजह से यहाँ रोड भी आज पूरी खाली है, वरना तो ये रोड खाली रहती नहीं रहती, काफ़ी बिजी रहती है। ये है बैरिंगटन मॉल जो मेरे घर के सबसे पास में है, इसके अलावा बाकी तो सारे दूर दूर है, कोई मेन सिटी में कोई रिकेटन में। इस मॉल के अंदर ही काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे सब्वे वगैरह, बैंक, दो तीन बैंक हैं और एक जिम भी है, और यहाँ एक वेयर हाउस भी है। वो इतना बड़ा तो नहीं है पर ठीक ठाक है, जो मैंने सिटी में देखा था उससे तो मतलब थोड़ा छोटा है। ये है यहाँ पे रे वाइट, ये डॉलरामा, आगे सब्वे वगैरह है, ये हेल्थ है, ये सब। ये है यहाँ का सुपर मार्केट फ्रेश चॉइस, जहाँ सारा सब्जी सब्जी वगैरह मिल जाती है, सब्जियाँ विद प्राइस है, देख लेना। ये ब्रेड है, ये $1 वाला, $1.20 $4.30। ये सारा मीठा वाला सामान, ये है नान वगैरह, अगर किसी को रेडीमेड नान चाहिए तो यहाँ से मिल सकते हैं। सारा मीट का सेक्शन है नीचे में। ये सारे चिप्स, ये वाले काफ़ी सही होते हैं, टेस्ट अच्छा है, मैंने ट्राई किया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी ये डोरिटोस, हाँ तो इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिलता है, मुझे नहीं पता था यहाँ ये सब चीज़ें मिलती हैं, मुझे लगा बस नॉर्मल चीज़ें ही मिलती होगी, सब्जी वगैरह और थोड़ा ग्रॉसरी टाइप, यहाँ सारा ही मिलता है मतलब। सारा एग्स वगैरह, अलग अलग वैरायटी के एग्स। ये सारा दूध वाला सेक्शन है, $60 का, कितने लीटर है, 1.5 लीटर। ये सारा लिकर का सेक्शन, देखते रहो प्राइस भी, मुझे कोई सा भी नाम नहीं पता इनमें से, पहली बार देख रहा हूँ। तो ये है वेयर हाउस, यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती है A to Z, और कुछ भी लेना हो यहाँ सब कुछ ही अवेलेबल होता है, कपड़ों से लेके स्टेशनरी वगैरह सब, और बाकी जो घर का सामान होता है वो भी मिल जाता है, और ये फ़ोन वगैरह भी है, लैपटॉप कंप्यूटर फ़ोन, ये बुक्स कॉमिक्स वगैरह सारा। ये यहाँ पे बैग वगैरह है, ये वाला अच्छा लग रहा है, इसका प्राइस है $20। ये स्लीपर्स, ये यहाँ $17 की, $10 की, भाई महंगी महंगी सी लग रही है तो। और ये यहाँ पे शूज़ है, ये वेंस टाइप के शूज़, ये $17 के, मतलब यहाँ काम चला वाला मिल जाता है। ये हैं स्पोर्ट्स शूज़ $30 के, भाई ये महंगा लग रहा है मुझे तो, ये 35 के। जो मेन सिटी में वेयर हाउस है उसमें मुझे बहुत सही लगा था, उसका प्राइस काफ़ी सस्ता सा लगा था मुझे, यार यही मुझे महंगा लगा पता नहीं क्या, पर वहाँ का प्राइस सही लगा था मुझे।
ये ब्लैक पैंट $35 भाई साहब, 1500-1600 की पैंट। यह टी शर्ट $12 की सारी टी शर्ट्स, ये पोलो टी शर्ट्स टाइप, सैंडो कितने की है भाई साहब, $7, 350। ये हुडी, इसका प्राइस नहीं लिखा हुआ कितने डॉलर की है। ये हुडी का सेक्शन यहाँ पे $35 की दो, तो ये मुझे सही लग रहा है कि दो मिल रहा है $17 में एक। ये ट्राउजर का सेक्शन है, पैंट सॉरी पैंटी पैंट है, ये भी अच्छी लग रही है। ये कितने की है, $17। ये लोअर नहीं पैंट ही है, सॉरी पैंट है। ये सॉक्स भाई $10 के तीन, ठीक है मोटे मोटे से। ये $45 की, ये भी अच्छी है $55। ये सारे शायद ये जो कलरफुल है ये कंस्ट्रक्शन वर्कर या रोड साइड में जो देखते जो वो काम करते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है शायद ये पहनना, कि उनका पहना रहता है। ये स्लीपवेयर, ये भी स्लीपवेयर। ये यहाँ पे जैकेट्स लगी हैं, ये कितने की, ये $45 की। भाई हुड से अच्छा तो ये लग रही होंगे, सारा वुमेन का सेक्शन है। ये टॉवल्स $4 में, यहाँ पे जो भी घर के लिए चाहिए होता है सामान वो सारा मिल जाता है, हैंगर्स क्लिप्स वगैरह सब सारा। वैसे मुझे तो कुछ काम है नहीं इस सेक्शन में, तो फिर भी आ ही रहा हूँ देखने, क्योंकि मैंने अभी पूरा नहीं देखा है। ये सारा किचन का, $35 की कढ़ाई जैसी कुछ है, ये पेन टाइप का भी $35, छोटा पेन भी $35, भाई महंगा है ये तो। सारा बच्चों का टॉयज वाला सेक्शन है, यहाँ पे सारे गेम्स वगैरह हैं, गेम है। ये माइनक्राफ्ट, ये बड़े बड़े और बड़े टॉयज हैं, आदमी जैसा कुछ, ये पूरा सेक्शन टॉयज ही टॉयज से भरा हुआ। बारबी डॉल्स, लड़कियों की चीज़ें, सारा गिफ्ट रैपिंग वगैरह का है, प्रेजेंट देने के लिए बॉक्सेस वगैरह कप वगैरह, सारे बर्थडे कार्ड्स या कोई सी भी कार्ड्स देते हैं यहाँ पर, कार्ड्स कुछ बहुत ज़्यादा देते हैं ये सारे कार्ड्स ही कार्ड्स। जो मुझे लेना था वो मिला नहीं, फिर मैंने बस एक टूथब्रश उठाया और एक चिंगम उठाई, और अभी मेरे को भूख लगी तो सबवे आ गया हूँ, अभी खाता हूँ फिर घर जाता हूँ। यहाँ अभी भी मास्क वाला सीन है, तो अगर पब्लिक प्लेस में जाना है तो मास्क पहनना पड़ेगा, अरे कंपलसरी भी नहीं है पर यहाँ भी कोरोना चल ही रहा है यार, पर डे 10,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं शायद, अभी तो बीच में ऐसे ही आ रहे थे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक बाय एंड टेक केयर।